लोग होते हैं जो लोगों से सही से बात नहीं कर पाते। हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर सवा को भी इसी टाइप की होती है। उसका क्लासमेट जिसका नाम होता है काजिया उसके पैर में पड़ता है। ये जो आज की हमारी मूवी है इसने लव और फ्रेंडशिप इन इमोशन को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। हमारी आज की मूवी फ्रॉम मी टू यू ये 2010 की एक रोमांटिक जापनीज मूवी है। इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एंडिंग भी है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक म्यूजिशियन अपने म्यूजिक कंसर्ट से भागता हुआ दिखता है। उसकी बेटी का बर्थ हो रहा है, उसकी वाइफ का लेबर स्टार्ट हो गया था, तो अपनी बेटी से फर्स्ट टाइम मिलने के लिए वो भागते भागते जाते हैं। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश थे, उन्हें वो बहुत ही प्लीजेंट लगी, इसीलिए उसका नाम वो सवा को रखते हैं। सवा को का मतलब एक प्लीजेंट चाइल्ड। इसके बाद सवाको के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी आगे बढ़ती है। सवाको जैसी बड़ी हुई तो हमसे कहती है, मैंने हमेशा अच्छी चीजें करने का ट्राई किया। एक रिंग नाम की जापानीज हॉरर मूवी है, उसमें जिस तरह से भूत टीवी से बाहर निकलता है, एक दिन खेलते खेलते सवाको अपनी स्विंग से वैसे ही बाहर निकले। ये देखकर सब बच्चे डर गए। उस भूत का नाम उन्होंने सवाको को दे दिया। उस दिन के बाद सब उसे डरने लग गए थे। सवा को जब भी अपने क्लासमेट्स को हेल्प करती थी तभी वो डर कर थैंक यू कहकर वहां से भाग जाते थे। अब यही रीजन था कि सवा को लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी, वो सोशली डिस्टेंट रहने लग गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाई स्कूल में है, जरा बड़ी हो चुकी है। स्कूल के रास्ते पर एक लड़का था जिसका नाम है काजिया, जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। काजिया को कहाँ जाना है ये वो क्लूलेस था। सवा को उससे पूछती है, क्या तुम स्कूल ढूंढ रहे हो? उसे उस स्कूल की डायरेक्शन दे देती है। काजिया उसके पास आया और उसने उसे थैंक यू कहा। जहाँ पर ये खड़े थे उसके पास एक ब्यूटीफुल सा पेड़ था। इसके पिंक पेटल ये नीचे गिर रहे थे। एक पेटल सवाको के सर पर गिरा। ये काजिया निकाल कर उसे गिफ्ट देता है, कहता है इसका शेप कितना ब्यूटीफुल है, ये हार्ट शेप पेटल था। इसके बाद काजिया को उसके फ्रेंड ने बुलाया और उनके साथ वो चला गया। इसके बाद ये हमेशा एक दूसरे को स्कूल में नोटिस करते थे, पर काजिया हमेशा स्कूल के बच्चों में ज़रा पॉपुलर था, इसी वजह से सवा को उससे बात नहीं कर पाती थी। सवा को अब हाई स्कूल में है, पर जब वो छोटी थी तब की बात अभी भी बच्चे भूले नहीं हैं। वो उसे हंटर समझते हैं, उन्हें लगता है कि भूतों को समन कर सकती है। उसके खिलाफ अलग अलग रूमर्स फैलाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सवा को के आँख में 3 सेकंड से ज्यादा अगर किसी ने देखा तो कष्ट हो जाएगा। एक दिन काजिया क्लासरूम में आता है और सवाको को गुड मॉर्निंग कहता है। सवा का फ्रीज हो गई, वो मॉर्निंग भी बोल नहीं पा रही थी। इसके बाद टीचर आ गए और ये कुछ भी बात नहीं कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़के काजिया को बता रहे थे कि सवाको के आँख में अगर आप 3 सेकंड से ज्यादा देखो तो आप कष्ट हो जाओगे। काजिया कहता है ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, इसे वो इग्नोर कर देता है। इनकी जो भी बात चल रही थी ये सवाको सुन रही थी। सवाको को लगता है कि अब उसे किसी से भी आँख नहीं मिलानी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट भी है। एक दिन मैथ्स के टीचर ने सवाको को कहा कि सबकी नोटबुक्स तुम कलेक्ट करना। सब उसे डर रहे थे तो एक अलग जगह पर सबने नोटबुक्स रखी। काजिया उसके पास जाता है, उसके आँख में आँख मिलाकर उसे ये नोटबुक देता है। सवाको बिना उसे नोटिस किए जल्दी से वहां से चली गई। इवनिंग में बाइसिकल के पार्किंग में सब बाइसिकल नीचे गिरी हुई थी। सवाको इन सब को ठीक से लगा रही थी तभी उसके पास काजिया आया। काजिया उसे कहता है तुम बहुत ही एडमायरेबल हो, एक स्माइल देकर वहां से वो चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजिया को उसके होम रूम की टीचर ने बुलाया हुआ है। ये जो टीचर होते हैं इनका काम होता है कि सब बच्चों पर सही से नजर रखना। काजिया और सवाको के बीच में क्या चल रहा है ये उन्हें जान लेना था। जो काजिया से पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि सवाको कर्स्ड है, तुम्हें क्या लगता है? काजिया कहता है ये सब रूमर्स है, वो इस पर बिलीव नहीं करता। टीचर ये पूछ रहे थे इस पर चिढ़ कर वो वहां से चला जाता है। जब वो एक क्लासरूम में आता है तो सवा का एक इवेंट के लिए सबको साइन अप करने के लिए कह रही थी, सब डरते हैं तो कर नहीं रहे थे। काजिया फिर उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेता है और सब बच्चे फिर साइन अप करने लग जाते हैं। सवाको खुद को लगता है कि सब मेरी वजह से नहीं आ रहे थे तो खुद साइन अप नहीं करते। जब वो अकेली थी तो होमरूम टीचर सवाको से बात करते हैं, उससे पूछते हैं तुम काजिया के बारे में क्या सोचते हो? जैसे कि हमें पता है कि वो ज्यादा बात नहीं करती, पर यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कहती है कि मुझे वो बहुत ही प्लीजेंट लगता है।
मुझे लगता है कि वो वर्ड सिर्फ उसी के लिए बना है, प्लीजेंट। ये बात हो रही थी तो ये सब काजल सुन लेता है। टीचर के जाने के बाद वो सवाको को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है, तुम्हारा भी नाम बहुत ही ब्यूटीफुल है। सवाका ने रजिस्टर नहीं किया था तो उसका नाम वो लिख लेता है। इस इवेंट में 100 नाइट की थीम थी। सब बच्चों को डराना था तो कुछ क्लासमेट्स बात कर रही थी कि अगर सवाको इस काम के लिए मान जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सवाका भी इस स्कूल में यूजफुल रहना चाहती है, अच्छी सी फ्रेंडशिप बनाना चाहती है, तो इसके लिए उन्हें अप्रोच करती है और कहती है कि मैं बनने के लिए रेडी हूँ। ये जो दो लड़कियां यहाँ थी, इनका नाम है योशिदा और योनो। ये भी हमारे वन ऑफ द मेन कैरेक्टर में से है। जब इवेंट की रात आई तो सवाको ने सब बच्चों को खूब डराया। इससे योशिदा और योनो दोनों बहुत ही खुश थे। सवाको को उन्होंने एक ड्रिंक दिया। ये सब बात कर रहे थे तभी काजिया वहां आया। काजिया सवाको को कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हो। इसके बाद वो उसे वॉक पर लेकर जाता है। उसे पूछता है, क्या तुम रात से डरती नहीं? सवाको कहती है कि मुझे रात अच्छी लगती है, आज उसे मजा आया था, उसकी वजह से उसके सब क्लासमेट्स ने एंजॉय किया, उसे अच्छा लगता है। काजिया फिर एक जगह पर चढ़ गया और सवाको को भी ऊपर बुलाता है। पूरे सिटी का एक ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाता है। लास्ट नाइट के इवेंट में काजिया हार गया था। इसका जब क्लासरूम में रिजल्ट लगा तो एज अ पनिशमेंट कहा जाता है कि काजिया को सवाको के साथ 1 वीक तक डेट पर जाना पड़ेगा। काजिया इस पर चिढ़ जाता है, कहता है, क्या तुम उसके फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते? अगर तुम ऐसी पनिशमेंट रखोगे तो उसे क्या लगेगा? काजिया के फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्या तुम उसे लाइक करते हो? काजिया को फिर सब लोग चिढ़ाने लग गए, वो इस पर कुछ भी नहीं बोलता। ये सब सवाको के सामने हो रहा था। वो खड़ी हो गई और कहती है, काजिया एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो सिर्फ मेरी हेल्प करना चाहता था। ये कहकर वहां से वो चली जाती है। वो रोते रोते घर जा रही थी तो काजिया भी उसके पास आया। सवाको उसे सॉरी बोलती है, कहती है, मेरी वजह से तुम्हें इतना सारा ट्रबल हो रहा है। काजिया यहाँ पर अपनी फीलिंग्स बता रहा था। वो कह रहा था कि फर्स्ट डे जब हम मिले थे तब से वो उसे लाइक करता है, पर ये सेंटेंस सवाको ने इंटरप्ट कर दिया। वो कहती है, मैं भी हमेशा तुम्हें बहुत ही एडमायर करती हूँ। काजिया को बहुत ही बुरा लगता है। वो वंडर करता है, क्या वो कभी अपनी फीलिंग सवाको को बता पाएगा? इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में सब बच्चों की सीट्स रीअरेंज हो रही थी। सवाको जिस सीट पर बैठी हुई थी उसके आसपास किसी को भी नहीं बैठना था। यहाँ फिर काजिया अपना अपॉइंटेड सीट छोड़कर सवाको के पास आकर बैठता है। काजिया की दो अच्छी फ्रेंड्स भी है, योशिदा और योनो, ये भी उसके पास आकर बैठती है। सवाको एक बहुत ही अजीब सा फेस बना रही थी। योशिदा उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, इस खुशी में मुझे रोना ना आ जाए इसलिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ये सब अब फ्रेंड्स बन चुके हैं तो सवाको को एक रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं। इनके साथ काजिया का और एक फ्रेंड है जिसका नाम है सनादा। सनादा हमेशा लोगों के नाम भूल जाता है तो सवाको को भी बहुत ही अजीब नाम से पुकारता है। इस पर ये सब बहुत हंसते हैं। सवाका ने फर्स्ट टाइम स्माइल किया तो योशिदा उससे कहती है, तुम्हें हमेशा ऐसे हंसते रहना चाहिए। अब थोड़ी सी रात हो चुकी थी तो काजिया सवाको को उसके साथ घर छोड़ने के लिए आता है। उसका खुद का घर एक अलग डायरेक्शन में था और सवाका का घर बहुत ही दूर, फिर भी उसे छोड़ने के लिए जाता है। सवाको आज रात अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर आए। उसके पेरेंट्स को देखकर अच्छा लगता है क्योंकि उसके अब सही से फ्रेंड्स बन सकते हैं। स्कूल में अब फुटबॉल की टूर्नामेंट आने वाली थी। इसके लिए योशिदा और योनो सवाका की प्रैक्टिस लेते हैं। वो सही से खेल नहीं पा रही थी पर वो उस पर गिव अप नहीं करते। सवाका उन्हें थैंक यू कहती है, बोलती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, तुम दोनों को मुझ पर प्राउड महसूस होगा। यहाँ बात करते करते ही एक फुटबॉल उनके पास आया हुआ था। एक लड़की डरते डरते सवाको के पास आकर बॉल लेकर चली गई। अब योशिदा और योनो ये दोनों वंडर करते इस सवाको के बारे में ये सब रूमर्स कौन फैलाता है, उन्हें इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब इन दिनों में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो चुकी है। एग्जाम आने वाले थे और योशिदा ने कोई भी स्टडी नहीं किया था। सवाको रात भर जागती है, उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से नोट्स बनाती है। इसी स्कूल में एक लड़की है जिसका नाम है कुरुमी। कुरुमी काजिया को बहुत ही पसंद करती है, हमेशा उसके पीछे ही वो बैठती है। उससे वो बात कर रही थी तभी वो नोटिस करती है कि काजिया सवाको में इंटरेस्टेड है। एक दिन सवाको स्कूल में कुछ लड़कियों को बात करता सुनती है। ये लड़कियां कह रही थी,
काज्या, योशिदा, योनो ये सब अब सवाको के साथ हैंग आउट करते हैं। इससे उनके स्कूल में रेपुटेशन खराब हो रही है। सवाको को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से योशिदा और योनो को कोई भी तकलीफ हो पाए। वो फिर इन दोनों से बात करना छोड़ देती है। यही लड़कियां बाद में सवाको के बारे में भी कुछ कह रही थी। ये योशिदा और योनो ने सुना, वो फिर इन लड़कियों को धमकाती है। कहती है इस टाइप की रूमर्स किसी को भी स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। सवाको आज अकेली घूम रही थी तो उसके टीचर ये नोटिस करते हैं। पूछते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स योशिदा और योनो ये कहाँ है, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है? सवाको कहती है कि नहीं। ये सब बात वो दोनों सुन रही थी। उन्हें बहुत ही हर्टफुल महसूस होता है। ये कहती है कि हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हम सवाको की फ्रेंड बन सके, उसे एक्चुअल में लगता क्या है ये हमें उससे पूछना चाहिए। इन दोनों ने सवाको को कन्फ्रंट किया और उसने कुछ भी नहीं कहा। इस पर योशिदा बहुत ही अपसेट हो गई थी। एक जगह पर जाकर अकेले ही बैठी हुई थी। उसका फ्रेंड सनादा फिर उसके पास आया। योशिदा अपना सब मन उसके पास हल्का करती है। स्कूल के ग्राउंड पर सवाको अकेली थी और अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके पास फिर काज्या आता है। कहता है मुझे तुम इग्नोर मत करो, बताओ कि क्या चल क्या रहा है, तुम्हारे योशिदा और योनो के साथ हुआ क्या? सवाको फिर उसे सब कुछ सच सच बताती है। कहती है शायद मेरी वजह से तुम सबकी रेपुटेशन खराब हो जाए। काज्या पूछता है कि यही रीजन था इस रूमर से हम हर्ट हो गए या हमारा डिसीजन है? हमें तुम्हारा फ्रेंड बनना है या नहीं ये भी हमारा डिसीजन है, प्लीज हमारे लिए तुम डिसाइड मत करो। तुमने अचानक से उन दोनों से बात करना बंद कर दिया, उन्हें भी बहुत ही बुरा लग रहा होगा। इसके बाद काज्या उसके साथ खेलने लग जाता है। रात में भी योशिदा और योनो ये सवाको के बारे में ही बात कर रही थी। योशिदा कहती है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे हंसते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। योनो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब उसी की तरह थी, किसी से बात नहीं करती थी, मेरी फीलिंग्स किसी को भी बताती नहीं थी। ये दोनों अब डिसाइड करती है कि जाकर सवाको को अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएगी। वो इस तरह से इस फ्रेंडशिप पर गिव अप नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे सवाको स्कूल के वॉशरूम में थी। कुछ लड़कियां योशिदा के बारे में गंदी गंदी रूमर स्प्रेड कर रही थी। इस बात को लेकर सवाको उन लड़कियों से लड़ पड़ती है। सब बच्चे बाहर से इनका झगड़ा देख रहे थे। काज्या को ये पता चला तो जल्दी से योशिदा और योनो इन दोनों को उसके पास लेकर आता है। सवाको उन लड़कियों से कह रही थी तुमने जो भी कहा इन सब वर्ड्स को पीछे लो। योशिदा और योनो भी सवाको को सपोर्ट करते हैं। फाइनली ये लड़कियां अपना वर्ड्स पीछे लेती है। सवाको ने यह कन्फेस किया था कि वो इन दोनों को बहुत प्यार करती है। ये सुनकर ये तीनों रोने लग गई थी। मैं भी इनकी फ्रेंडशिप देखकर रोने लग गया था। इसके बाद इनका टूर्नामेंट वगैरह हुए जिसमें काज्या जीत गया। काज्या को जो लड़की पसंद करती है उसका नाम है कुरुमी। कुरुमी फिर सवाको से बात करती है। वो उससे कहती है मैं काज्या को बहुत ही लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? सवाको कहती है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, वो मेरा एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है। कुरुमी उससे कहती है कि तुम मिस्टेकन हो, वो सिर्फ तुमसे बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड है। तुम किसी और से बात कर देखो, फॉर एग्जाम्पल सनादा। वो फिर उसे सनादा के साथ बात करने के लिए भेज देती है। सवाको उसके पास आए, उसे पूछती है यह स्पेशल फ्रेंड क्या होता है? सनादा कहता है कि आपको एक स्पेशल फीलिंग आती है, अगर वो फीलिंग हो तो आपका स्पेशल फ्रेंड है। जब आपको फीलिंग आती है तब सब कुछ पता चल जाता है। ये दोनों बात कर रहे थे तो कुरुमी काज्या के पास जाती है। कहती है इस सवाको सनादा को लाइक करती है। काज्या इस पर जेलस हो गया, जल्दी से सवाको के पास गया, उसका हाथ उसने पकड़ा और उसे ग्राउंड पर लेकर आता है। उससे पूछता है क्या तुम सनादा को लाइक करती हो? सवाको कहती है क्या करती हूँ, पर एज अ फ्रेंड वो मेरा कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर काज्या को बहुत अच्छा लगता है। कुरुमी ने जो भी किया ये योशिदा और योनो ने फिगर आउट कर लिया। वो फिर उसके पास जाती है, उसे बहुत धमकाती है। इन दोनों के जाने के बाद कुरुमी और सवाको ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। सवाको कहती है मैं बहुत ही सॉरी हूँ, पर काज्या मेरा भी एक स्पेशल फ्रेंड है। कुरुमी कहती है तुम मेरी फीलिंग समझ नहीं सकते, मैं जब से छोटी थी तब से उसे ही प्यार करती हूँ। वो फिर रोते रोते वहां से चली गई। रात में कुरुमी और काज्या जब अकेले थे तो कुरुमी अपनी सब फीलिंग्स काज्या को बता देती है। काज्या कहता है मैं किसी और को लाइक करता हूँ। कुरुमी कहती है तुम्हारा लड़कियों में टेस्ट बहुत ही घटिया है, मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी।
ये कहकर वो वहां से चली गई। ये सब होते होते जरा टाइम गुजर चुका है, अब क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है। योशिदा क्रिसमस को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। योनो कहती है योशिदा का एक क्रश आने वाला है, इसीलिए वो इतनी एक्साइटेड है। लेक्चर जब चल रहे थे तो काजे सवाको को एक नोट देता है, कहता है स्कूल के बाद तुम मुझे बाहर मिलना। काजे जब बाहर आया तो सवाको के साथ योशिदा भी थी। योशिदा को कुछ क्लोथ्स बाय करने हैं तो इसलिए वो सवाको को अपने साथ लेकर जाती है। काजे को जो भी कहना था वो आज भी कह नहीं पाया। रात में सवाको योशिदा से पूछती है कि वो कौन है जो तुम लाइक करती हो। वो कहती है कि सनादा का वो बड़ा ब्रदर है। सवाको को बुरा लगता है क्योंकि एक्चुअल में सनादा योशिदा को लाइक करता है। अब जब क्रिसमस आने वाला है तो सवाको के पेरेंट्स उसके साथ ही स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि उसी टाइम पर उसका बर्थ हुआ था। आजकल सवाको को घर आने में जरा लेट हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए वरी करते हैं, कहते हैं कल से तुम बस में घर आना। सवाका ये बात जाकर अपने टीचर से कहती है। टीचर उससे उसका आई कार्ड मांगते हैं। जब वो फिर से टीचर के पास गए तो ये आई कार्ड उन्होंने लॉस्ट कर दिया है। इस आई कार्ड में ही काजे ने उसे जो नोट दी थी स्कूल के बाहर मुझे मिलना, ये सवाको ने सेव कर कर रखी थी। उसे भी काजे के लिए फीलिंग्स है पर वो छुपा कर रखती है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, उसे बहुत ही बुरा लगता है। स्कूल के बाद सब फ्रेंड्स मिलकर कहीं बाहर जाना चाहते थे पर सवाको इसके लिए मना कर दिया। उसे आज बस से घर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे काजे फिर से सवाको से बात करता है, कहता है क्रिसमस पार्टी के लिए मैं एक जगह देखने के लिए जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। इसमें भी योशिदा बीच में आ गई, कहती है मुझे भी वो प्लेस देखना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। काजे बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि सवाको के साथ कोई भी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सवाको, योशिदा और योनो सब कहीं जा रही थी। तभी योशिदा अपने क्रश यानी कि सनादा के बिग ब्रदर से मिलती है। यहाँ उसे पता चलता है सनादा का ब्रदर अब शादी करने वाला है। ये सुनकर वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गए। ये सब फिर एक जगह पर डिनर करने के लिए आए तो सवाको ही उसके लिए रोने लगती है। ये सब रोकर एक दूसरे को सहारा देती है। योनो का भी एक बॉयफ्रेंड था पर उसका भी उसके साथ ब्रेकअप हो गया। अब इन दोनों का क्रिसमस पार्टी में जाने का मूड नहीं है। वो सवाको को कहती है कि तुम काजे के साथ जाना। इसके बाद नेक्स्ट डे सवाको अकेली थी तो काजे ने उसे अप्रोच किया। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर सवाको बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई। उसे क्या करना है, क्या बोलना है, ये कुछ भी समझ में नहीं आया। उसकी बस आ गई थी तो बिना कुछ बोले ही वहां से वो चली गई। वो बहुत ही डिस्टर्ब थी तो उसने योशिदा और योनो इन दोनों को बुलाया। जो भी हुआ ये सुनकर इन्हें बहुत ही बुरा लगता है। योनो कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा ये हमें पता नहीं है पर हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। क्रिसमस पार्टी पर सवाको को उसके पेरेंट्स एक शो देखने के लिए लेकर आए हुए थे। उसे काजे के पास जाना था पर वो जा नहीं पा रही थी। वो जब अपने फादर के पास अकेली थी तो फादर कहते हैं इसी दिन तुम्हारा बर्थ हुआ था, मैं परफॉर्म कर रहा था पर सब कुछ छोड़कर भागकर तुम्हारे पास आ गया। कभी कभी आपको सब कुछ चीजें छोड़कर किसी के पास जाना पड़ता है। सवाको कहती है कि आज रात भी मुझे किसी से मिलना था। उसके फादर उसे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं जाना है तो जाना चाहिए, जल्दी से जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो फिर भागते भागते काजे के पास आए। काजे को बहुत ही बुरा लग रहा था तो इस क्रिसमस पार्टी से जल्दी से वो बाहर चला गया था। सनादा और वो ये दोनों अकेले ही बात कर रहे थे। सनादा काजे से कहता है तुमने अपनी फीलिंग्स तो उस पर फोर्स कर दी पर वो क्या चाहती है, क्या इसके बारे में तुमने उससे पूछा। काजे को भी अपनी गलती रियलाइज होती है। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी एक टीचर उनके पास पहुंचे। ये वही टीचर है जिन्होंने सवाका का आई कार्ड गुम कर दिया था, उन्होंने पर्पसफुली अपने पास रखा था। इन दोनों की बात उन्होंने सुनी तो काजे को ये आई कार्ड वो देते। सवाको और काजे जब फर्स्ट टाइम मिले थे, जो पेटल काजे ने सवाको को गिफ्ट दिया था ये पेटल भी इसी आई कार्ड में है। ये देखकर काजे को भी सवाको को फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। सवाको सब जगह पर काजे को ढूंढ रही थी, उसे वो कहीं भी नहीं मिला तो सैड होकर चलते चलते घर जाने लगती है। इसी रास्ते में जहां पर काजे और सवाको फर्स्ट टाइम मिले थे उसी पेड़ के नीचे ये दोनों फिर से मिलते हैं। सवाको कहती है मुझे तुम हमेशा से पसंद हो,
तुम्हारे साथ होना ये मेरा एक ड्रीम था और वो अब सच हो चुका है। काजिया भी इस पर स्माइल करता है, कहता है हम दोनों के फ्यूचर के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बात करते करते ही यहाँ पर ब्यूटीफुल सा स्नो गिरने लग गया था। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इस एक ब्यूटीफुल मोमेंट पर इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।